कृष्णा अघासुर को वध किया, अघासुर को वध किया तो इतने में सारे देवता लोग जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण का नहीं लाल की। जब जयकार लगाई ये जयकार धीरे 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 कहती है स्वर्ग लोक से धीरे धीरे ये जयकार पहुंचा ब्रह्म लोक तक। ब्रह्मा जी ने सोचा भैया यहाँ इतना जय जयकार क्यों हो रहे हैं, क्या चक्कर है, इतना जय जयकार क्यों हो रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी उतर करके आए, उतर करके आकर उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। क्या देखा? कृष्ण ने अघासुर को मार डाली। जिस राक्षस को देख करके देवता लोग भी जिससे डरते थे, कृष्ण खेल खेल में उसको मार डाले। और एक चीज देखा, क्या देखा? उसका शरीर से एक ज्योति निकला, फिर वो ज्योति जा करके कृष्ण शरीर में समा गया। ब्रह्मा तो चक्कर में पड़ गए, भाई बच्चा है कौन, ये बच्चा है कौन जिसमें ये ब्रह्म ज्योति भी जिसके शरीर में समा गया। और उन्होंने जिस राक्षसों को देवता लोग भी डरते, कृष्ण आसानी से उसको मार डाला। इसको देख कर बड़ा आश्चर्य लगा। जब आश्चर्य लगा इतने में अभी कृष्ण सखाओं के साथ में बैठ करके वन भोजन कर रहे थे। वन भोजन करते करते यहाँ के भक्त लोग कहते वन भोजन करते करते इतने में एक सखा ने लाया था छाछ, हाँ लेकिन ये छाछ था खट्टी छाछ थी। वो सखा जो पी रहा था, कृष्ण ने कहा तुम क्या मेरे को नहीं दोगे, तू अकेला छाछ पियोगे। इतने में दोनों पकड़ कर खेचाता नहीं करते करते ना वो सखा जो पी रहा था वो छाछ गिर गया सखा को छाती पर, और कृष्ण जीभ लगा कर चाट रहा था। हैं बोले भैया बड़े चोखो छाछ है, हैं ये छाछ तो बड़ी मीठा छाछ तू अकेला खा रहा था। ब्रह्मा जी देख करके बोले ये कैसे भगवान है जिनके झूठन फूटन को भी पता नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा कौन है कहते नारायण के भक्त है, और नारायण के जितने भक्त हैं सबके सब भगवान को ऐश्वर्य बुद्धि से देखने वाले, भगवान को ऐश्वर्य भगवान भगवान और हम उनकी सेवक है। लेकिन ब्रज में तो कोई कृष्ण को भगवान मानते नहीं, मानते सब हमारा सखा ग्वाल बाल। इतने में ब्रह्मा जी चकरा गए, ब्रह्मा जी चकराते हुए फिर कुछ आगे लीला देखने के लिए उन्होंने कृष्ण का बछड़े हैं कृष्ण के बछड़े को उन्होंने चुराया। सखा लोगों ने देखा भैया बछड़े तो यहीं चर रहे थे, बछड़े फिर कहाँ गए। जब फिर वो बछड़े को कृष्ण ने कहा तुम लोग बैठो मैं देखता हूँ। जब बछड़े को ढूंढने के लिए गए ना, इधर जितने सखाओं को भी ब्रह्मा जी सखाओं को भी उठा करके ले करके वहाँ पर एक गुफा अभी हम देखने के लिए गए थे, जिस गुफा में ब्रह्मा जी उनको छुपाया था अभी भी वो गुफा है, इसलिए वो गुफा में उनको छुपा दिए। इतने में कृष्णा हाथ में क्या खा रहे, दही चावल खा रहे थे और आचार टेटी का आचार हाथ में रखा हुआ। कृष्णा आकर देखे भैया मेरे बछड़े कहाँ गए, सखा कहाँ गए। इतने में जोग माया ने उनको स्फुरण कराया, बोले ये जितने बछड़े सखा ब्रह्मा आपका लीला को समझ नहीं पाए, और थोड़ी सी आगे कुछ लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी उन्होंने इनको सबके सब चुरा लिया है। इतने में कृष्णा फिर अपना शरीर से जैसे बछड़ा जैसे सखा थे अपना शरीर से उन्हें ठीक वैसे ही प्रकट किया है, हैं? और कृष्ण खुद खुद को साथ में लीला कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, अभी यहाँ प्रश्न होता है भैया ब्रह्मा का क्या हिम्मत है जो कि कृष्ण के बछड़े सखाओं को चुरा ले, हैं? क्या ब्रह्मा जी का हिम्मत है, क्यों इस बछड़े सखा कौन है, ये कोई साधारण नहीं, जितने सखा है ना ये सबके से बलदेव प्रभु का प्रकाश है, बलदेव प्रभु ने कृष्ण सेवा के लिए प्रकाशित किया है। कहते इनकी चरण की एक धूल में इतने शक्ति कितने ऐसे ब्रह्मा जी को सृष्टि कर सकते हैं, एक बछड़ों श्री यहाँ के जो सखा और बछड़े में इतना शक्ति है। तो फिर ब्रह्मा इनका नाम ब्रह्मा, बोले ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, बोले ब्रह्मा एवं सर्वविद भवती, ब्रह्मा मतलब जो सब जानता है। जब सब कुछ जानता है फिर तो उसने ऐसे काम कैसे किया है, ऐसे उसने काम कैसे किया, बोले कृष्ण की कुछ इच्छा है, बोले कृष्ण की क्या इच्छा है, कृष्ण की ये इच्छा है अभी जिस समय हैं कृष्ण की ये इच्छा है। हम सुन करके पहले आए ना जितने सबके सब वेद सब ऋचा हैं और जितने सबके सब पूर्व जन्म दंडकारण्य का ऋषि थे और सबके सब जनकपुरी के जब सीता और सहेली सबके सब अभी गोपी बन करके आए, अभी कृष्ण की क्या इच्छा है सबको साथ में शादी कर ले, हैं कृष्ण को सबको साथ में शादी कर ले। दूसरा है कृष्ण जब अपना माँ की स्तनपान करते हैं
जितने ब्रज की जितने मातृस्थानीय गोपियां आई उनके मन में भी इच्छा कृष्ण की, हमारा बच्चे बन करके आएंगे हम भी उनको कभी स्तनपान कराए, इनके अंदर में ये भी इच्छा है। कृष्ण जब बछड़े हैं, अभी कृष्ण जब दूध पीते, जितने गैया है वो गैया भी साधारण नहीं है, ये सब गैया नहीं कहते, ये नारद गरुड़ आदि सब गैया और वेद के ऋचा सब गैया बन करके आए। अभी गैया की मन में इच्छा होता है कृष्ण क्या कभी हमारा बछड़े बनेंगे, हम भी कृष्ण को कभी स्तन करा पाएंगे, इनके मन में ये भी इच्छा, ये सबकी मन में ये सब इच्छा है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, कहते एक काम करे न प्रभु काम करे पांच सात, कृष्ण तो एक काम करते हैं लेकिन अनुसंग के रूप में पांच सात काम अपने आप हो जाता है, इसलिए सोचा ऐसे के काम करे जो कि सारे काम एक साथ में हो जाए, सारे काम हो जाए। इसलिए कृष्ण ने ये ब्रह्मा जी को मुग्ध करते हुए उन्होंने ये सब काम किया। अभी प्रश्न है कृष्ण के जो बछड़े सखा ये तो साधारण है ही नहीं, फिर ब्रह्मा इनको चोरी कैसे करवाया? कहते ब्रह्मा इनको चोरी नहीं कर पाए, बोले फिर सब गए कहाँ? बोले असली जो बछड़े सखा थे ये तो यही से ब्रज भूमि में ही वहीं को वहीं अंतर ध्यान हो गए, ब्रज रज में ही चले गए। फिर ब्रह्मा जी इनको लेकर गए थे वो कौन है? बोले ये सब के सब ये छाया सब के सब ये माया के द्वारा बनाया हो सखा, और बछड़े सब माया से बने हुए, वो असली है ही नहीं, ना असली है ही नहीं। इतने में कृष्ण जब अपना घर में वापस आए ना, जब कृष्ण घर में वापस आए उसमें एक नियम होता था, ये रोज ब्रज की जितनी गोपियाँ आती वो जरूर कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाया करती थी, कहाँ? नंद बाबा का घर में, जसोदा घर में। लेकिन जब से कृष्ण स्वयं बछड़े सखा बनकर घर में आए ना, तब से कोई भी कृष्ण को और दर्शन करने कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाते। बोले क्यों? बोले कृष्ण ही अभी इनके घर में बालक बनकर, कृष्ण स्वयं घर में बालक बनकर के आए, इसलिए और किसको दर्शन के लिए आए? कृष्ण ही तो घर में है, कृष्ण तो घर में ही है, इसलिए कोई नहीं जाते थे। कृष्ण ऐसे ही उन्होंने एक साल तक उन्होंने लीला की, ब्रह्मा जी ये सब काम करके जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, इतने में कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा आने से पहले ब्रह्मलोक में पहुंच गए, और वहाँ पर जो दरवान थे ना, बोले देखो मैंने देखा कुछ बहु रूपिया घूमते हुए हैं, मेरे जैसे रूप धारण करते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आए ना अंदर में घर में तो उसने मत दिया करना, उन्होंने मना कर दिया उनको। असली जब ब्रह्मा वहाँ पर पहुँचे ना, उनका जो दरवान थे बोले तू कहाँ से आ गया? प्रभु सही बता रहे थे मेरे जैसे कुछ बहु रूपिया घूम रहे हैं, हमारा प्रभु का अंदर में बैठे हुए, फिर तुम कहाँ से आए हो? हाँ ब्रह्मा बोले भैया फिर तो कौन वहाँ पर बैठा है? पर ध्यान लगाकर देखना, उन्हें ध्यान लगाकर देखते हैं उनका प्रभु ही स्वयं वहाँ पर बैठे हुए, उनकी प्रभु ही वहाँ पर बंद कर दो दुकान बोल रहा।